मेरे गर्मा गर्म लेफ्ट ओवर राइस के पकौड़े बन के तैयार हैं। आप भी इसका इस तरह बनाएं और इसका प्रोसेस आगे देखें। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा। एक ग्राइंडिंग जार लिया है और लेफ्ट ओवर थोड़ा सा मेरे पास, देखिए छोटे थोड़ा सा चावल, मेरे पका हुआ चावल बच गया था और थोड़ा सा उपमा है, तो उपमा भी बच गया था। तो इन दोनों चीज़ के साथ हम एक बहुत अमेजिंग रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो इसको, उपमा को इसमें डाल देंगे ग्राइंडर जार में, ये चावल भी जो बचा हुआ है उसको भी डाल देंगे और दो ब्रेड तोड़ के इसको भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें ये थोड़ी सी ये दही, फिटी हुई दही है आधा कटोरी, वो डाल, और डालने के बाद इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें मैंने चावल डाला, उपमा बचा हुआ था सूजी का वो डाल दिया, और दो ब्रेड और आधा कटोरी दही। अब इसको पीस लेंगे और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा ये पेस्ट बन गया, उसमें चावल है, उपमा है और ब्रेड है सब, और दही मिला के जो मैंने मिश्रण बनाया था उसका पेस्ट बन गया। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए दो चम्मच टेबल स्पून से या एक डेढ़ चम्मच आप देख अंदाजे से डाल दीजिए बेसन, और वो उससे बाइंडिंग आ जाएगी। हरा धनिया, हरी मिर्च, और चूंकि कड़ी पत्ता उपमा था तो उसका फ्लेवर तो आ ही गया होगा। थोड़ा सा अजवाइन डालिए अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद है मत डालिए, स्किप कर दीजिए, और हींग जरूर डालिए, और ये प्याज, प्याज डाल के और इसको हम और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। जब बनाना हो पकौड़े तभी बनाइए, और इन सब चीज़ों को मिला लिए। बहुत ही बेस्ट यूज़ ऑफ लेफ्ट ओवर चावल और उपमा। मध्य से मेरे पास बच गया था उपमा, नहीं उपमा हो तो आप लेफ्ट ओवर चावल लीजिए, चावल को पीसिए, उसी में थोड़ी सी सूजी डाल दीजिए, दही और बेसन, तो उससे भी बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं। और चूंकि मेरे पास उपमा था तो मैंने उसका भी यूटिलाइज कर लिया, बहुत अच्छा पकौड़ा बन के तैयार होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, और चाय के साथ गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ खाइए, मज़ा आ जाएगा। ये देखिए अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे हल्का बस, और क्योंकि इसको चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत तेज नमक अच्छा नहीं लगता। अब इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लेंगे हाथ से, और हाथ से फेंटने के बाद आप गर्मा गर्म पकौड़े तलिए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए, बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे छोटे पकौड़े डाल दिए हैं। अब इसको एक तरफ से कुरकुरा हो जाएगा तब पलट के दोनों तरफ से पका लेंगे कुरकुरे, एकदम क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया लाजवाब पकौड़े बन के तैयार होंगे। इसको मनपसंद चटनी के साथ आप इंजॉय कीजिए। ये देखिए मेरे गर्मा गर्म पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं लेफ्ट ओवर चावल और उपमा के साथ, और कितना अच्छा कुरकुरा कलर आया है, अच्छा कलर आया है, कुरकुरा बना है। मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया, आप मीठी चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए मेरे पकौड़े बन के तैयार हुए हैं, आप भी ऐसे बनाएं, खाएं, खिलाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।